आरोप है तो इनकी जांच होनी चाहिए थी। और चुनाव अधिकारी जो उत्तर प्रदेश का है और देश का है, उसको तुरंत जवाब देना चाहिए। तो यही सिस्टम रहा है। ऐसा नहीं कि दरोगा जी ने आके कह दिया कि नहीं नहीं सब ठीक चल रहा है। जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रदेश का होता है और जो देश का होता है, वही हमेशा जवाब देता है। अब आपने कहा चीजें ट्रांसपेरेंट नहीं है, तो मैं कह रहा हूं ट्रांसपेरेंट तो है, बेईमानी ट्रांसपेरेंट दिखाई पड़ रही है, विश्वसनीयता का अभाव ट्रांसपेरेंट दिखाई पड़ रहा है, प्रशासन शासन के इशारे पर नाच रहा, ये ट्रांसपेरेंट दिखाई पड़ रहा है। बस एक अंतर है कि जिस ढंग से विपक्ष को चुनाव आयोग को निशाने पर लेना चाहिए, नहीं ले रहे हैं। शुरुआत में इनको मालूम रहता कि बेईमानी होगी तो समाजवादी पार्टी हाँ, में सवाल तो उठा रही है, बूथ कैप्चरिंग हुई। मेरे पास तो ये भी इनपुट आ रहे हैं कि मैनपुरी में बहुत सारी ऐसी सीटें भी रही, बहुत सारे ऐसे बूथ रहे, माफ कीजिएगा, जिन बूथों पर वोट डाले नहीं जा सके, और समाजवादी पार्टी के जो निचले कार्यकर्ता हैं, जो बूथ लेवल के कार्यकर्ता हैं, वो ये प्रश्न उठा रहे हैं। हमारे साथ डॉक्टर अनिल जैन जी भी जुड़ गए, स्वागत है अनिल जी आपका। तो ये आपने जो बड़ी बात कही कि बेईमानी ट्रांसपेरेंट दिख रही है, ये लाइन बड़ी सही है कि बेईमानी जम के हो रही है वो दिख रही है, चुनाव आयोग की पारदर्शिता नहीं दिख रही। सुरेंद्र जी, देखिए, मैं कह रहा हूं ना, सब कुछ पारदर्शी है। वोट नहीं डालने दिए गए, पारदर्शी ढंग से दिखाई पड़ रहा है। चुनाव आयोग सुन नहीं रहा, पारदर्शी ढंग से दिखाई दे रहा है। मैं एक दूसरी बात कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि ये सब आशंकाएं पहले भी थी, जब पूरे प्रदेश में चुनाव हुआ उत्तर विधानसभा का, तब भी लोगों को मालूम था। आपको याद, एक जमाना होता था कि विपक्ष के लोग चुनाव आयोग को घेर लेते थे, जाकर के सड़क जाम कर देते थे, प्रदर्शन कर देते थे। आज विपक्ष ट्वीट कर देता है या एक ज्ञापन दे आता है, और ये जिस दिन होता है चुनाव के उस दिन ठीक है, लोकल कार्यकर्ता कुछ अपना वीडियो जो चला देते हैं, जी और चूंकि मीडिया लोकतंत्र के अगेंस्ट है और चुनाव आयोग के साथ खड़ा है, वो भी पारदर्शी दिखाई पड़ रहा, तो उसका बहुत प्रचार नहीं हो पाता। चुनाव आयोग ये देखता है कि यार, ये मुट्ठी भर लोग हैं जो हमारी बेईमानी जान रहे हैं, बाकी सब जगह तो हमारी जय जय हो रही है, इसलिए वो कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करके या किसी प्रकार का वास्तविक खंडन नहीं हो करती। नहीं, मुझे याद है कि छोटी छोटी घटनाओं पर वो मामला तुरंत स्टेट कमिश्नर को संदर्भित होता था और वहां से ये बताया जाता था कि हाँ, हमने इसमें एक्शन लिया या नहीं लिया। और ये आप मैनपुरी और वो इस पर बात मत करिए, फिर देखिए ट्रांसपेरेंट है। तो गुजरात में चुनाव के ही दिन, मतदान के दिन, मतलब एक दिन पहले और एक दिन बाद तक, मतलब क्योंकि दो चरण मतदान था, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी मंदिर में जाकर के पूजा करते रहे, और आधा आधा घंटा 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 भर वो दृश्य दिखाए गए, जी विच इज क्लियर कट वायलेशन ऑफ इलेक्शन कोड। और किसी विपक्ष की हिम्मत नहीं पड़ी कि उस पर सवाल उठा दे, तो उसको लगा कि अगर इस पर सवाल उठा देंगे तो तुरंत उन पर यह आरोप लग जाए कि साहब ये देवी विरोधी है। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर, और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।